करते हैं अगली बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर, योगी सरकार ने सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है। लाउडस्पीकर हटाने को लेकर फाइनल रिपोर्ट सौंपी जाएगी। धार्मिक स्थलों से लगातार लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं। 37,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर अब तक हटा दिए गए हैं। 54,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर की आवाज को कम कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, योगी सरकार की तरफ से जिलों से फाइनल रिपोर्ट मांगी गई है, लाउडस्पीकर संबंधित ये रिपोर्ट जल्द ही यूपी सरकार के सामने रखी जाएगी। 37,000 से ज़्यादा लाउडस्पीकर हटा दिए गए हैं कई जगहों पर। कई धार्मिक स्थलों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर लाउडस्पीकर की आवाज़ भी कम कर दी जा रही है। क्या स्थिति है इस वक्त और क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, जो शासनादेश बनाया गया था, मानक बनाया गया था, उस मानक का पालन करवाया जा रहा है। उसी क्रम में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 37,000 से ज्यादा जो लाउडस्पीकर हैं वो धार्मिक स्थलों से हटा लिए गए हैं। वहीं 54,000 से ज्यादा जो लाउडस्पीकर हैं उनकी आवाज को मानक के अनुसार तय किया गया है। यानी कई ऐसे धार्मिक स्थल है जहाँ पे लाउडस्पीकर लगे हैं लेकिन लाउडस्पीकर का जो मुंह है वो परिसर के अंदर रखा गया है। यानी अगर कोई भी आवाज होती है तो उस परिसर के अंदर तक होगा। यानी 50 डेसिबल का मानक रखा गया है। 50 डेसिबल का जो मानक होता है उसी आधार पर लाउडस्पीकर को बजाया जाएगा। तो स्वाभाविक है, तो कहीं ना कहीं जो ध्वनि प्रदूषण है उसको रोकने की दिशा में और तमाम लोगों को जो इससे दिक्कतें होती थी उसको रोकने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने यह काम किया है। अब बहुत सख्ती से इसका पालन करवाया जा रहा है और इसी को लेकर सरकार ने सभी जनपदों से रिपोर्ट मांगी है कि उनके जनपद में कितने लाउडस्पीकर हटाए गए, कितने लाउडस्पीकर को परिसर के अंदर किया गया है, उसका मानक क्या रखा गया है, कितने लोगों से संवाद हुआ है, उस संवाद के दौरान क्या स्थिति रही है और किन लोगों ने इसका विरोध जताया है। सभी की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। शासन हालांकि लगातार दावा कर रहा है कि शांतिपूर्वक यह अभियान चलाया जा रहा है। सभी धार्मिक स्थलों के जो धर्मगुरु हैं वो इसमें सहयोग कर रहे हैं, जो मंदिरों के पुजारी हैं वो इसमें सहयोग कर रहे हैं। तो तमाम जगह जो लाउडस्पीकर लगाया गया है तो स्वाभाविक है कि शांतिपूर्वक हटाया जा रहा है और लोगों से संवाद भी किया जा रहा है। जो प्रशासनिक अफसर उस दौरान मौजूद होता है वह वहां के लोगों से संवाद करता है और इसके क्या नुकसान है उसके बारे में भी बताता है। तो स्वाभाविक है कि इसको लेकर तमाम सियासत भी तेज हो चुकी है लेकिन इन सियासत के बीच उत्तर प्रदेश सरकार लगातार लाउडस्पीकर हटाने का काम कर रही है और उसी के तहत पूरी रिपोर्ट जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जनपदों से मांग ली है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।